numbers leaves the remainder equal to the highest common factor of 689 when divided by 689. ओके देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एच सी एफ की बात किया जा रहा है, किसका, एच सी एफ ऑफ मेरा 6, 8 और 9. ओके 6, 8 और 9 के एच सी एफ, देखिए 6 में कॉमन 2, यहाँ पे भी 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि इसका डायरेक्ट एक ही बार में बोलने से क्या होगा, एच सी एफ क्या होगा इसका, 1 होगा. ओके ये क्लियर है, इसका एच सी एफ क्या होगा, 1 होगा. कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हेन डिविजिबल बाय 689, यानी कि 689 का एलसीएम लेना है, एलसीएम और दूसरा जो है 6, 8 और 9 का एलसीएम करूँगा मैं बेसिक तरीका से, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72. अब ये जो ऑप्शन है ना, आंसर आपको कैसे पता चलेगा, ये ऑप्शन से अगर 72 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा. ओके तो देखिए ऑप्शन ए को चेक करेंगे, 433 को 72 से डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा, 72 6 432, तो 1 बच गया रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन ए एकदम सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए सीधा इसका आंसर हो जाएगा. ओके आपको लॉक है तो ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा, बी में भी मिल सकता है, सी में भी मिल सकता है, वो लॉक अच्छा नहीं होने से डी में भी मिल सकता है, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको. थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, आपका कैलकुलेशन कितना स्पीड होगा. सो ये टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है. ओके थैंक यू.